गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके जस्ट नॉलेज पे, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चमकते सितारे की, यानी मनु भाकर की। जी हाँ, मनु भाकर एक नाम जो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही भारत की शूटिंग के लिए दुनिया में एक नई पहचान बना चुकी है। हर बार जब वह शूटिंग रेंज में कदम रखती हैं तो एक नई उम्मीद जगा देती है। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झंझर जिले में हुआ था, जो शूटिंग स्पोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनु भाकर एक भारतीय निशानेबाज शूटर हैं जिन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में प्रतिस्पर्धा करती हैं। मनु भाकर ने 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 के एशियाई खेलों में भी पदक जीतकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार भी वह भारत का नाम रोशन करने में नहीं चूकी हैं। इस बार पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उन्होंने भारत को एक नई जीत दिलाई है और इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो मेडल जीते हैं। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्सल डंबल्स में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं। शूटिंग के इस खेल में अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण ही वह इतनी सफल हुई हैं। रोजाना की ट्रेनिंग, मानसिक एकाग्रता और खुद पर विश्वास, यही उनकी सफलता की कुंजी है। मनु भाकर कहती हैं कि सपने देखने से ज़्यादा जरूरी है उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना। उनका यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उनके पास न सिर्फ शूटिंग में महारत हासिल है, बल्कि वे एक सच्ची खेल प्रेमी और एक आदर्श खिलाड़ी भी है। मनु भाकर की सफलता हमें सिखाती है कि सही दिशा और कठिन परिश्रम से हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, आज मनु भाकर के लिए पूरा देश गर्व करता है कि एक महिला होते हुए भी इन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी लाइफ में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। नेवर गिव अप। लाइफ चाहे कितनी भी कठिन हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गीता में भी यह कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और मनु भाकर भी ऐसा कहती हैं कि जब वह डिप्रेशन में थी या फिर उनका मन कर रहा था कि छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, तब उन्होंने गीता को मन लगाकर पढ़ा और इसके बाद उन्होंने दोबारा से प्रयास किया और वह सफल हुए। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि इन जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, उसी तरीके से हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। वह चाहे जीवन की असली कहानी के ऊपर हो या फिर किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हो। तो आज हमें इनकी स्टोरी से बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिला है। इनकी स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि अपने गोल को हम पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर मनु भाकर को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं। एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच।